दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस प्लेलिस्ट में, जहां हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की। और लास्ट क्लास में दोस्तों हमने डिस्कशन किया था पावर सेट का, तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पावर सेट के टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2015 में, वन मार्क क्वेश्चन था, बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ सिखाने वाला है। तो क्वेश्चन बोला था कॉर्डिनेलिटी ऑफ द पावर सेट, और सेट एक्सप्लेन किया है, टेबुलेशन कर दिया है, जीरो से लेकर टेन तक एलिमेंट्स है इज। अब देखिए होता क्या है, वैसे तो ऑलरेडी हम जानते हैं, बहुत सिंपल बात है भाई, कि अगर किसी सेट के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम जानते हैं कि पावर सेट विच इज अ सेट ऑफ सब सेट, उसके अंदर 2^n एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो 0 से लेके जब हम 10 तक जाते हैं तो टोटल 11 एलिमेंट्स हाँ यहाँ पर हो जाएंगे। तो अगेन लेट मी से कि भाई अगर सेट के अंदर 11 एलिमेंट्स हैं तो अगेन पावर सेट ऑफ ए तो 2^11 विल बी 2048, सो सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी 10 में से 2-3 बार ऐसा जरूर होता है कि आप देखेंगे 10, ओके, तो इस बात पे हम कम ध्यान देते हैं कि काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हुई है, तो जीरो से आप 10 तक गए तो टोटल 11 एलिमेंट होंगे, है ना। हो सकता है आपने भी पहले देख के यही सोचा हो, तो अच्छा 0 से 10 तक है, लेट मी से 2^10, और आंसर है 1024। और देखिए गेट वाले बड़े चालाक हैं, पहला ऑप्शन यही रखा हुआ है। तो जस्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस एक पॉइंट मेरे को आपको याद दिलाना था कि इस बात को ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेंगे तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। फेयर इनफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वॉज आस्क्ड इन गेट 1995, अगेन वन मार्क क्वेश्चन। सेट यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं सेट क्या है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है फाइव, जिसको खुद सेट के अंदर रखा हुआ है, देन वी हैव वन एंड देन वी हैव टू एंड थ्री। अब आपको नहीं पता कि ये किस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लॉजिक है, बट अपने को बता दिया गया है दिस इज अ सेट, दैट इज ओके। अब आपसे पूछा व्हाट इज पावर सेट ऑफ एस, तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि कहां पर ब्रेसिस है कहां पर नहीं है। जब आप सेट को देखते हैं तो एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, है ना। तब आप देख सकते हैं ये एक एलिमेंट है, यहां पर एक एलिमेंट और यहां पर एक एलिमेंट, तो क्लियर कट सोचना है कि भाई तीन एलिमेंट है। ऐसा मत सोचिएगा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, नहीं। तो यहां पर बीच में कॉमा आना चाहिए, तो अगेन कॉमा आ गया है, तो दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला अपने को याद है 2^3, सो टोटल 8 एलिमेंट्स यहां पर होंगे, 8 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देखिए अगर मजा लेना है तो एक बार अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि यार पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, तो हम जानते हैं पावर सेट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट तो हमारा 5 ही होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबसेट। आगे देखते हैं, अब एक एक करके देखिए मैं कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करता हूं, देन अगला एलिमेंट हो सकता है 5 विद अ ब्रेसेस एंड देन वन मोर ब्रेसेस, है ना, बिकॉज मैं तो अपना सेट का ब्रेसेस लगाऊंगा। अगेन टू गिव यू एनालॉजी, अगर सेट होता ए बी पावर सेट में लिखता, तो पहला एलिमेंट क्या लिखता, मैं लिखता 5, बट 5 के बाद अगला एलिमेंट में क्या लिखता, ए विद अ ब्रेसेस, बिकॉज नाउ आई एम सेइंग सबसेट। तो यहां पर जो भी है मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं उसके ऊपर एक ब्रेसेस लगाने वाला हूं, बिकॉज अब मैं सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सिमिलरली यहां पर 1 होता विद अ सेट एंड अगेन 2, 3 होता विद डबल करली ब्रेसेस, और सिमिलरली आप दो दो के कॉम्बिनेशन बनाते तो 5 एंड दिस 1, नाउ दिस कुड बी अ सबसेट, देन चलिए 5 का ही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 2, 3 के साथ, नाउ दिस कुड हैव बीन अनदर सबसेट एंड देन 1 एंड 2, 3, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, लास्ट द एंटायर सेट इटसेल्फ। तो हम जानते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो 2, 3 लाइक दिस, है ना, ये पूरा आइडिया यस होने वाला था इन दिस। सो खैर हमने टेबुलेशन भी कर दिया, बट ऑफकोर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं थी, समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि आप एलिमेंट्स देख के इस बात से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि टोटल एलिमेंट 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, टोटल एलिमेंट हमारे 3 ही हैं, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, अंदर वो क्या लिखते हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑल्सो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है 8। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ना, अगेन सी ये तो खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेट 2012 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेट हमारे पास है 5, है ना, और लेट मी चेंज द कलर, यस एक सेट है हमारे पास 5 और उसके अंदर ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सिंपल 5 वहां पर लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि पावर सेट क्या होगा। तो अगेन टू गिव यू एन आइडिया, अगर मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं एस जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, अब बताएं पावर सेट क्या होगा।
तो अगेन आप क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट तो 5 ही आना है, रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कुछ भी लिखा हो, है ना, बिकॉज वो तो हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबसेट है. फिर जो भी एलिमेंट आपको मिलता है, देन यू राइट इट लाइक दिस. नाउ सिमिलरली इफ आई आस्क यू, यहां पर अगर सेट हमारे पास है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो क्या करेंगे भाई, तब भी सेम ही करेंगे. तो नाउ यू राइट पावर सेट एंड देन पहले एलिमेंट 5 होगा एंड देन 5 विद अ कर्ली ब्रेसेस. एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या, तो बहुत सिंपल आइडिया है, मैच हो रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो अगेन आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व किया जा सकता है. नाउ कुछ स्टेटमेंट्स देखिए यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, बहुत फंडामेंटल है, जरा जल्दी से एक बार देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन कौन से गलत है. फॉर एनी सेट ए, कोई भी एक रैंडम सेट है हमारे पास है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए, सोच के जवाब दीजिए. फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है या गलत है? तो देखिए, सॉरी, सबसे पहले लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए, है ना. तो लेट मी टेक एनी पॉसिबल सबसेट, लेट मी राइट 1, 2, 3, है ना. तो अब आप मुझे बताएं क्या 5 ए से बिलोंग करता है? जी नहीं, 5 ए का सबसेट जरूर है, बिकॉज अगेन याद करो, किसी भी सेट ए को किसी दूसरे सेट बी का सबसेट हम कब बोल सकते हैं? जब ए के पास जो मेंबर हो वो बी के पास भी हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर अलग से लिख लूं, लेट मी से बी इज 1, 2, 3, 4, तो नाउ यू कैन से हाँ भाई, ए के पास 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, बी के पास है 1, 2, 3, 4, तो ए बी का सबसेट है. बट अगर मेरे को ये प्रूफ करना हो, नाउ दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है. 5 इज नथिंग बट एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस. अगर 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपको कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लॉजिकली आप मान लोगे कि 5 जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का. बट जब आप बोलते हो 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग मीन्स मेंबर. क्या 5 यहां पर मेंबर है? जी नहीं, 5 मेंबर नहीं है, है ना. मेंबर होना अलग बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप मुझे बताओ, सेट बी के अंदर लिखा है 1, 2, 3, 4, क्या कहीं यहां पर आपको ए यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से मेंबर नजर आया क्या बी के अंदर? तो मेंबर होना अलग बात है, सबसेट होना अलग बात है. तो क्या 5 ए किसी भी सेट का मेंबर होता है? जी नहीं, ये बात गलत है. हाँ, वो सही है कि 5 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है. आगे लिखा है 5 बिलोंग्स टू 2^2 पावर. नाउ व्हाट इज 2^2 पावर? इट रिप्रेजेंट्स पावर सेट ऑफ ए. तो क्या 5 किसी भी पावर सेट का मेंबर होता है? इस बार दोस्तों ये बात सही है. वो क्यों? बिकॉज जब भी हमने सीखा है हम पावर सेट लिखते हैं, तो पहला एलिमेंट वहां 5 आता है, उसके बाद हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट अ न्यू स्टेटमेंट, बिकॉज इट्स ए 5 इज अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट. बट मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, और अगर किसी भी सेट की बात करें तो पावर सेट भी वहां पर आता है. तो दिस ऑल्सो इज वैलिड, इज नो सेपरेट केस. नाउ एनी सेट इज अ मेंबर ऑफ इट्स पावर सेट और इट्स अ सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट. तो अगेन कोई बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप लेके इस बात को दोबारा ऑब्जर्व कर सकते हैं. ए अगर है 1, 2, नाउ व्हाट विल बी द पावर सेट ऑफ ए? तो आपको मिलेगा 5, देन यू हैव सेट 1, देन यू हैव सेट 2 एंड देन यू हैव 1 एंड 2, है ना. तो अब लिखा है ए. अब आप मुझे बताएं क्या कोई भी सेट अपने पावर सेट का मेंबर होता है, बिलोंग करता है? जी हाँ, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है. 1, 2 मुझे पूरा का पूरा नजर आ गया, तो ये बात बिल्कुल सही है. लास्ट पॉइंट, ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. तो अगेन जरा सोच के अब आप मुझे बताओ, ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. तो फिर मेरा सवाल है, अगर कोई भी एलिमेंट, याद करो दोबारा, ए बी का सबसेट है, तो बी के पास वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो ए के पास हैं. अब यहां पर ए के पास दोस्तों 2 एलिमेंट है, 1 और 2. आप मुझे बताओ क्या पावर सेट के अंदर 1 और 2 है? सोच के बताइएगा. तो ऐसा मत बोलिएगा यहां पर 1 है. दोस्तों यहां पर एक सेट है जिसके अंदर 1 है, अलग बात है. यहां पर एक सेट है जिसके अंदर 2 है, बट 1 और 2 यहां पर एज अ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट, अभी हो जाता है गलत. तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करें, समझें हमने यहां पर क्या आइडिया डिस्कस करने की कोशिश की है. समझाना इतना चाह रहा हूं, आइडिया तो बहुत सिंपल है. पावर सेट क्या है, सबसेट क्या है, नल सेट क्या है, कौन कब बिलोंग करता है. लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस पॉइंट को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे, या जब भी कोई नया प्रॉब्लम आएगा कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा. पर मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए जरूर आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे. तो मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.